नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। मैं हूं दिवाकर, आप बने रहें JNI न्यूज के साथ। लॉकडाउन की वजह से गरीब मिस्त्री की बीबी को कहीं भी नहीं मिला इलाज, बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं। वहीं जिला अस्पताल से भी बिना इलाज निकाला बाहर। मामला थाना गोवर्धन स्थित टंकी वाली गली में रहने वाले गरीब मजदूर राजेंद्र कोहली, जो कि लॉकडाउन की वजह से कहीं पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से उसकी पत्नी सुनीता, उम्र करीब 35 वर्ष है, जो कि काफ़ी दिनों से बीमार हैं, जिसे राजेंद्र ने गोवर्धन स्थित सरकारी सामुदायिक केंद्र पर दिखाने ले गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मथुरा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आइए देखते हैं डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी का एक रिपोर्ट। आपका राजेंद्र, ये आपकी वाइफ की तबीयत खराब है? हाँ जी सर। क्या हुआ है इनको? इनको साहब मतलब पैरों में उल्टी सूजन चढ़ गई है। अच्छा। और इसके पेट में दर्द है, यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है इसको। तो आपने कहीं दिखाया? हाँ जी दिखाया। कहाँ दिखाया? सरकारी अस्पतालों में दिखाया, गोवर्धन दिखाया। उन्होंने मथुरा रेफर करने की कोशिश की, मथुरा ले गया। मथुरा वाले बोले कि हमको आगरे ले जाओ उसको। अच्छा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे साहब, और ना तो मेरे पास इतनी व्यवस्था। मेरे तीन बच्चे थे, परेशान था मैं, बच्चे इनको अकेला छोड़ के आया घर, अकेला था मैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं उनसे बोला कि आप एम्बुलेंस कर दो, फ़ोन करके नहीं है आगरे भर्ती हो जाएगी। तो उन्होंने मथुरा वालों ने कह दी सरकारी ने कि हम एम्बुलेंस से फ़ोन नहीं करेंगे, आप करोगे जब आएगी, इसको निकालो उससे बात। हाँ तो काम क्या करते हैं आप? मिस्त्री का।